उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। सूबे का सियासी तापमान अब चुनावी हो चला है और इस चुनावी माहौल में सियासी तपिश बढ़ गई है, वो भी एक मुलाकात से। जी हाँ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की मथुरा में मुलाकात हुई। औपचारिक रूप से इस मुलाकात को लेकर यही कहा जा रहा है कि सीएम योगी ने संघ प्रमुख को महाकुंभ में आने का न्योता दिया है। 45 मिनट तक चली इस मुलाकात के दौरान हम आपको बताते हैं आखिर क्या क्या हो सकता है और इसके पीछे का क्या क्या कारण माना जा सकता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की संघ प्रमुख के साथ यह मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। बेहद अहम मानी जा रही इस बैठक में सूत्रों के मुताबिक सूबे की सियासत पर भी चर्चा की गई। सीएम योगी की संघ प्रमुख से मुलाकात के दौरान उपचुनाव में संघ से जुड़े स्वयंसेवकों के इस्तेमाल को लेकर बात हुई और दोनों नेताओं ने संघ से मिलने का वाले फीडबैक पर भी अपने विचार साझा किया। सूत्रों का कहना है कि संघ प्रमुख ने सीएम योगी आदित्यनाथ को आश्वस्त किया है कि स्वयंसेवक हरियाणा की तर्ज पर ही यूपी उपचुनाव में भी बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और उनकी पूरी मदद करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी तैयारियों में जुटे हैं। ये सवाल जो है आज हर किसी के जहन में उड़ रहा है कि क्या एक बार फिर से यूपी में भाजपा जीत पाएगी या फिर नहीं। वही उपचुनाव सीएम योगी की लोकप्रियता और पर भी डिपेंड करता है। ये भी जा रहा है कि उपचुनाव पूरी तरीके से सीएम योगी का चुनाव है। यही वजह है कि सीएम योगी एक तरफ जहां चुनाव वाली हर सीट पर नजर रखे हैं, वहीं रणनीति तय करने से लेकर विचार के मोर्चे तक सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी संघ के बीच समन्वय को लेकर भी खुद ही फ्रंट पर आ गए हैं और लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। हरियाणा के हालिया चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत के साथ ही बीजेपी इतिहास रचने से सफल हो पाई है और इसके पीछे कहीं न कहीं संघ की सक्रिया को काफी ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। माना गया है कि ऐसे नतीजे संघ के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की वजह से ही हो पाए हैं। अब संघ और बीजेपी के रिश्ते 2022 में आम चुनाव से पहले थोड़ी सी खटास आती हुई नजर आई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उपचुनाव में एक बार फिर से दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे।